हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं शिवानी दिलीप खोड़ पे आपका मेरे चैनल शेड्स ऑफ शिवा में स्वागत करती हूँ। इंसोमनिया एक ऐसी स्टेट है कि जहाँ पे हमें नींद नहीं आती या नींद में जाने से हमें प्रॉब्लम आती है। तो इनकी वजह क्या होती है? तो इसकी वजह बहुत सारी हो सकती है, जैसे कि एंजाइटी होती है हमें, हमें हॉर्मोनल चेंजेस आते हैं, कुछ ऑलरेडी जो हमें प्रॉब्लम्स रहते हैं जैसे कि बीपी रहता है, अस्थमा रहता है, इनकी वजह से भी हमें नींद नहीं आती। तो अगर आपको ये पहले से ये प्रॉब्लम है आपको बीपी की या अस्थमा की, तो आप उसके लिए दूसरे वीडियोस भी फॉलो कर सकते हो, मैंने बनाए हुए हैं। और अगर इसके साथ ही आपको ये भी करना है तो आपको ये भी करना है कि ये आसन करते टाइम आपने वो पहले वाले जो मैंने बताए हुए आसन है वो भी आपको करने हैं। तो चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बेड पे बैठ जाना है, एक पैर हम स्ट्रेट करेंगे और फिर धीरे से उसके ऊपर हम लेट जाएंगे। घुटने को माथा टिकाने की कोशिश करनी है और ये प्रोसेस आपको बहुत ईज़ के साथ करनी है। अगर आपसे नहीं हो रहा होगा तो आप पीलो यूज़ करो, पीलो रख लो ऐसे पैर पे और फिर उसके ऊपर आप सो जाओ। आपको अगर एक पीलो से नहीं हो रहा होगा आप दो पीलो भी ले सकते हो, बस आपको ये ईजीली करना है, कोई भी स्ट्रेस आपको फील नहीं करना है। सेम हम हमारे दूसरे लेग से भी करेंगे, इधर भी वैसे ही। अगर आपको पीलो चाहिए होगी तो आप पीलो यूज़ कर सकते हो, बस आपको कंफर्टेबल रहना है, ये बात आपके ध्यान में रखनी है। ऐसे आपको 5 सांसों के लिए यहाँ पर रुकना है, 5 से 10 सांसों के लिए। सेम हम वापस दूसरे पैर से भी पीलो यूज़ करके करेंगे। कंफर्ट आपको चाहिए, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप वैसे रुक सकते हो। 5 से 10 सांसों के लिए रुकेंगे फिर छोड़ देंगे। अब हम लोग करेंगे इक्वल ब्रीदिंग, सेम काउंट में सांस लेनी है, सेम काउंट में आपको सांस छोड़नी है। ये आपने 5 से 10 बार करना है। फिर इसके बाद आप ये आसन छोड़ के धीरे से शयन स्थिति में जाएंगे, लेट जाएंगे लेफ्ट साइड से होते हुए बेड पे। फिर आपने दोनों पैर घुटने में मोड़ के पास लेके आने हैं और दोनों पैर थोड़े से एक दूसरे से दूर कर लेने हैं, दोनों हाथ पूरी तरह से खुले कर लेने हैं। अगर आप चाहे तो आप आपके पेट पे भी रख सकते हो हाथ, और कोई भी एक साइड को आपको घुटने लेके जाने हैं और आपकी गर्दन उसके अपोजिट साइड में रहेगी। इसमें भी आपने 5 से 10 सांसों के लिए रुकना है, बहुत धीरे से और कंफर्टेबल होके आपको ये करना है। सेम हम लोग अभी दूसरे साइड से भी करके दिखाती हूँ मैं आपको एक बार। वही पैर पास में ले लेंगे, थोड़ा सा गैप कर लेंगे दोनों पैरों में, और फिर अभी अपोजिट साइड से गर्दन अपोजिट साइड, घुटने अपोजिट साइड, ऐसे आपको थोड़ी देर के लिए रुकना है। 5 से 10 सांसें आप जितने देर तक आप करना चाहो उतने देर तक कर सकते हो, इसका आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप जितनी देर तक चाहो उतनी देर तक आप कर सकते हो और आपको अच्छा ही लगेगा वो करने के बाद। फिर हम लोग ये आसन छोड़ेंगे, गर्दन सामने कर लेंगे, पैर सीधे कर लेंगे, हाथ सीधे कर लेंगे। ये होने के बाद हम वापस पवन मुक्तासन करेंगे, पैर दोनों घुटने में मोड़ लेंगे और फिर चेस्ट के पास लेके आएंगे, दोनों हाथों से पकड़ लेंगे। आपने गर्दन नहीं उठानी है, आपकी गर्दन पूरी तरह से नीचे रहेगी, पूरी तरह से शांत आप फील करोगे। ये 5 से 10 सांसें रुकने के बाद आपने आसन छोड़ देना है, धीरे से पैर सीधे कर लेंगे। इसके बाद आप 2 सांसों के लिए रुक के धीरे से लेफ्ट साइड से होते हुए उठ के बैठ जाएंगे, जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में अभी हम लोग करेंगे प्राणायाम, हाथों की द्रोण मुद्रा करके घुटनों पर रख देनी है, लंबी सांस लेनी है और आपको सांस छोड़ते हुए हुँ...
ऐसे आपको करना है, सांस छोड़ते हुए हम गले से आवाज़ निकालेंगे, इससे आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा, आपको पूरी तरह से रिलैक्स फील होगा। ये आप 5 बार करो या 10 बार करो, फिर उसके बाद आपने चाइल्ड पोज में जाना है। ये मैं आपको दिखाने के लिए साइड में मुड़ी हूँ, आपने सीधे चाइल्ड पोज में जाना है। और ये भी वैसे, अगर आपसे ये नहीं हो रहा होगा तो आप ऐसे पीलो रख सकते हो, अगर आप चाहो तो आपके माथे के नीचे भी आप पीलो रख सकते हो। कोई भी, मैं जितने भी आपको बता रही हूँ कोई भी एक टाइप आप कर सकते हो, जो भी आप कंफर्टेबल होगे वहाँ पे आपको रेस्ट करना है। फिर ये होने के बाद आपको सीधे वहीं से आपको सोने जाना है, जितने देर तक आप रुकना चाहो रुक सकते हो, फिर धीरे से सो जाएंगे। डायरेक्ट आप सो जा सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल होगा वैसे आप सो जा सकते हो। ये आसन करने के बाद आपको शांत और गहरी नींद आएगी और इनसोम्निया का प्रॉब्लम आपका पूरी तरह से दूर हो जाएगा। तो आशा करती हूँ मैंने आज के सिखाए हुए आसन आपके समझ में ज़रूर आए होंगे और आपको आपके जो ये प्रॉब्लम है इनसोम्निया की, नींद नहीं आने की, इसके ऊपर आपको बहुत अच्छे से इसका इफ़ेक्ट दिखेगा और आप अच्छे से सो सकते हो। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, अगर आपके फ्रेंड्स लोगों में किसी को ये प्रॉब्लम होगी तो उनको शेयर करना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।